नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन एनवीएस टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम 2019 इतिहास भाग 24 में, जिसकी परीक्षा सितंबर में होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा हमारे चैनल पर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एनबीएस टीजीटी पीजीटी के नाम से, जो इतिहास के वहां पर क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले जो 23 वीडियो अपलोड किए हैं वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है और इसका तात्पर्य होता है काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, आहार जो है दक्षिण पूर्वी में पड़ेगा, ये आहार उदयपुर के निकट है, राजस्थान में ही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? पुनर्जन्म, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? इसका आंसर आ जाएगा बी, ब्रह्मा का। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद एक संपूर्ण निम्नलिखित देवताओं में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सोम का। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया माइनर से प्राप्त बोगच कोई अभिलेख में किन आर्य देवताओं का आह्वान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण का, चार देवताओं का आह्वान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है? परीक्षित, इसका आंसर हो जाएगा ए, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 8, स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो मिथुन देना पड़ता था? इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्स विवाह में। क्वेश्चन नंबर 9, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध था? इसका आंसर हो जाएगा सी, तित्सु वंश से। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल के राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर भूमि विस्तार हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर वैदिक काल में उल्लेखित राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जनमेजय, गंधार, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा डी, वैगई नदी के मुहाने पर, ये कावेरी की सहायक नदी है वैगई। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अशोक के समकालीन मिस्र का राजा कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया? इसका आंसर हो जाएगा सी, रुद्रदामर का गिरिनार अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 15, परित पट्टू
निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा चेर, चेर राजाओं के, चेर वंश के राजाओं की। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य से प्राप्त नहीं होता, संगम साहित्य से प्राप्त नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा ए कदंब। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा चार अश्वमेध यज्ञ कराने का वर्णन मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा सी प्रवर सेन का। क्वेश्चन नंबर 18, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य के समय की एक विशेषता विदेशी व्यापार की उन्नति स्वीकार की गई है, निम्न कारणों में से कौन सा कारण उन्नति में सहायक नहीं हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था, ये सहायक नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए निम्न में से किस राजा ने 5 ग्राम दान दिए थे? उस राजा का नाम था देवपाल। क्वेश्चन नंबर 20, मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस संबत से अभिन्न थी? इसका आंसर हो जाएगा सी गुप्त संबत से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए? तो सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 22, अल बरूनी किसके दरबार से संबंध था? तो अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए? इसका आंसर हो जाएगा ए महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी मेरु तुंग। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल होयसल राजधानी द्वार समुद्रम का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी हलेविड। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में उल्लेखित मेंडकटक का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी मेड़ता। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन 10वीं शताब्दी में पाशुपत संप्रदाय का एक बड़ा केंद्र था? इसका आंसर हो जाएगा एक लिंग जी का। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिषाचार्य भिल्लमाल से संबंध था? इसका आंसर हो जाएगा डी वराह मिहिर। क्वेश्चन नंबर 29, भोज परमार ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका आंसर हो जाएगा समरांगण सूत्रधार। क्वेश्चन नंबर 30, इस्तवरी ने मुल्तान के मंदिर का वर्णन एक सुदृढ़ निर्माता के रूप में किया जिसमें एक मानवाकार प्रतिमा थी, यह मंदिर किसे समर्पित था? इसका आंसर हो जाएगा सी सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 31, महमूद गजनवी द्वारा विनिष्ट किए जाने के पश्चात सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार निम्नलिखित में से किसने कराया था? इसका आंसर हो जाएगा ए अहिल पाटन के कुमार पाल ने। क्वेश्चन नंबर 32, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखने वाले शिलाहार राजा का क्या नाम था? तो शिलाहार राजा का नाम था अपरार्क। क्वेश्चन नंबर 33, आदि वराह द्रंभ सिक्के किसने चलाए थे? इसका आंसर हो जाएगा ए प्रतिहार भोज ने। क्वेश्चन नंबर 34, दिलवाड़ा का बिमल शाही मंदिर निम्नलिखित में से किसे समर्पित था? इसका आंसर हो जाएगा ए आदिनाथ को। क्वेश्चन नंबर 35, गोल गुंबज नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी बीजापुर में। क्वेश्चन नंबर 36,
ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 37, 175 ग्रेन के चांदी का टका चलाने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित किया? इसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। क्वेश्चन नंबर 39, मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने को ही किस प्रकार का विभाग था? इसका आंसर हो जाएगा ए, कृषि विभाग। क्वेश्चन नंबर 40, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा था, इसका आंसर हो जाएगा बी, एक खैराती अस्पताल। क्वेश्चन नंबर 41, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रकोश कहा गया है किसके द्वारा निर्मित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, राणा कुंभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्व मध्यकालीन भारत में दोषी हट किस प्रकार का बाजार था? इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा बाजार। क्वेश्चन नंबर 43, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी सिलसिले से संबंध थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, सुहरावर्दी सिलसिले से। क्वेश्चन नंबर 44, शेर शाह के समय चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम में विनिमय दर था, तो विनिमय दर था 1:64 का। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया जिसमें सबसे छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे? इसका आंसर था इस्लाम शाह ने। क्वेश्चन नंबर 46, बाबर के विवरण यानी आत्मचरित्र का फारसी में किसने अनुवाद किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। क्वेश्चन नंबर 47, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस मुसलमान शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 49, मुगल बादशाह अकबर का जन्म निम्नलिखित में से किसके राजभवन में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बिरसाल के। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है, अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन एक प्रांत नहीं बल्कि एक जिला था? इसका आंसर हो जाएगा डी, कश्मीर। ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के आदेश से शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।